नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, इन दिनों टाइगर श्रॉफ जी जान से बागी 3 की शूटिंग में लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग सर्बिया में चल रही है। और दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ लगातार 25 दिनों तक सर्बिया में खतरनाक एक्शन सीन शूट करने वाले है। और दोस्तों, जैसा कि पिछले एक हफ्ते से टाइगर सर्बिया में बागी 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जहां पर टाइगर श्रॉफ ने बागी 3 का क्लाइमैक्स सीन भी शूट किया। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि सर्बिया में शूट होने वाले बागी 3 के एक्शन सीन्स को खतरनाक से भी खतरनाक बनाने के लिए यहां पर सर्बिया के साथ ही थाईलैंड और बल्गेरिया से इंटरनेशनल स्टंट टीम को हायर किया गया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यानी अहमद खान और साजिद नडियत वाला बागी 3 के एक्शन सीन्स को एक अलग ही लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और फिल्म मेकर्स की कोशिश तो ये है कि बागी 3 इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित हो। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ सर्बिया में टाइगर श्रॉफ ने पहले बागी 3 का क्लाइमैक्स शूट किया और उसके बाद अब टाइगर श्रॉफ बागी 3 के सेकेंड हाफ के कुछ मेजर पार्ट को शूट करने वाले है। वही दोस्तों, खबरों की माने तो रितेश देशमुख जो बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के भाई और एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, वो 1 दिसंबर को रवाना होंगे। और उनके साथ अंकिता लोकंडे भी रवाना होगी, जो कि इस फिल्म में रितेश की पत्नी और श्रद्धा की बहन के किरदार में नजर आने वाली है। तो दोस्तों, फिलहाल तो सर्बिया की शूटिंग में टाइगर श्रॉफ के साथ ही विजय वर्मा भी शामिल है। और श्रद्धा कपूर तो सर्बिया की शूटिंग को खत्म कर मुंबई लौट चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो अब एक बार फिर से बागी 3 की पूरी टीम सर्बिया पहुंचने वाली है और टाइगर श्रॉफ को ज्वाइन करने वाली है, जहां पर बागी 3 के कुछ स्पेशल सीन शूट होंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो टाइगर श्रॉफ लगातार 25 दिनों तक सर्बिया में बागी 3 के एक्शन सीन शूट करने वाले है। तो टाइगर श्रॉफ के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप टाइगर को एक बार फिर से बागी अवतार में देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो चैनल को। जय हिंद।